बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नोमान मुझे ये मौका देने का, और आप सारे आपके सोशल मीडिया में जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को चार्टर्ड मिला 2002 में, लेकिन रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी शुरू हुई 1995 में, जब हमारे फाउंडर मेजर जनरल ज़ुल्फ़िकार अली ख़ान साहब ने मेडिकल कॉलेज बनाया इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज के नाम से 1995 में। और वो उस टाइम नॉर्थ में यानी आउटसाइड कराची पहला मेडिकल कॉलेज था। उसके बाद 2002 में यूनिवर्सिटी का चार्टर्ड मिला रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और जो फिज़िकल थेरेपी है, रिहेबिलिटेशन है या अलाइड हेल्थ साइंसेज है, उसकी बुनियाद 2007 में डाली गई। और जो डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी प्रोग्राम है, ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ। और उसके साथ ये 5 ईयर्स का प्रोग्राम था। उसके बाद इसके साथ जो ऑलरेडी ग्रेजुएट्स थे 4 ईयर्स BS फिज़िकल थेरेपी के साथ क्वालिफ़िकेशन के साथ, उनके लिए एक 2 ईयर्स पोस्ट प्रोफेशनल डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसमें उन सबको 2 साल पढ़ा के और उनको भी डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी की डिग्री दे दी गई। बाद में हायर एजुकेशन कमीशन ने उसको इक्वल टू MPhil की जो है वो इक्वलेंस इशू की। फिर वो कुछ साल तो हमने वही ट्रांजिशन में गुजारे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 4 ईयर BS थे वो करके डॉक्टर फिज़िकल थेरेपिस्ट बने। बाद में हमने अपने MS प्रोग्राम शुरू किए, जो पाकिस्तान में एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम नई एक चीज़ थी। हमने ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी में शुरू किया, हमने न्यूरोलॉजिकल फिज़िकल थेरेपी में शुरू किया, फिर हमने कार्डियो पल्मोनरी फिज़िकल थेरेपी में शुरू किया, फिर स्पोर्ट्स फिज़िकल थेरेपी में शुरू किया, फिर हमने वेमेन हेल्थ फिज़िकल थेरेपी में शुरू किया। और लाहौर से जब लाहौर कैंपस में हमने पीडियाट्रिक फिज़िकल थेरेपी का भी प्रोग्राम शुरू किया। और इन सारे प्रोग्राम्स में जो ग्रेजुएट्स हैं वो यहाँ से एजुकेशन करके और मुल्क में जो है अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तो इस लिहाज से रिफा यूनिवर्सिटी की बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में इन द फील्ड ऑफ फिज़िकल थेरेपी का। फिर एक स्टेज ऐसा आया कि जब हमारी डिपार्टमेंट ने कॉलेज ने बहुत ग्रो किया। इनिशियली वी वर द पार्ट ऑफ फैकल्टी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेस। बाद में जब हमने ग्रो किया तो 2017 में हमें इंडिपेंडेंट फैकल्टी का जो है यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर कर दिया। तो नाउ वी आर वर्किंग एज फैकल्टी ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड अलाइड हेल्थ साइंसेस। और फिर हमने अलाइड के प्रोग्राम्स भी एड किए, हमने न्यूट्रिशन में जो है प्रोग्राम एड किए, हमने मेडिकल लेबॉरेटरी साइंसेज में प्रोग्राम एड किए, मेडिकल इमेजिंग में किए, ऑप्टोमेट्री के प्रोग्राम शुरू किए, हमने जो है मेडिकल अल्ट्रासाउंड का प्रोग्राम शुरू किया, इसी तरह जो है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का और एनेस्थीजिया टेक्नोलॉजी का ही प्रोग्राम हमने शुरू किए। तो इस टाइम रिफा यूनिवर्सिटी में कोई 25 डिग्री प्रोग्राम्स हैं, जिसमें से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं कोई 9 जो हैं, हमारे पास MS जो है लेवल के प्रोग्राम्स हैं, कुछ हमारे पास PhD प्रोग्राम्स भी हैं। तो रिफा एक एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है, एक चार्टर्ड यूनिवर्सिटी है बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और रिहेब एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज में पायनियर यूनिवर्सिटी है प्राइवेट सेक्टर में इस मुल्क में। और इस प्लेटफॉर्म से बड़ा ग्रो किया है इन प्रोफेशंस ने। इस टाइम फिज़िकल थेरेपी में हमारे पास जो है सबसे ज़्यादा प्रोफेसर हमारे पास फिज़िकल थेरेपी में हैं, सबसे ज़्यादा PhDs हमारे पास फिज़िकल थेरेपी में है। इस वक्त हमारी जो है पूरी यूनिवर्सिटी में कोई 27,000 स्टूडेंट बॉडी है, और जिसमें से कोई 1/3 जो है वो रिहैब एंड लाइट साइंसेज में है। हमारे इस्लामाबाद, लाहौर, मलकंड, फैसलाबाद, साहिवाल में कैंपसेस हैं। और इस टाइम कोई 250 to 300 जो हैं वो फैकल्टी मेंबर्स हैं हमारे टोटल, और कोई जो है 9,000 हमारे स्टूडेंट बॉडी है, 25 हमारे डिग्री प्रोग्राम्स हैं। तो रिफा यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है कि जिसने जो भी प्रोग्राम शुरू किया पहले उसकी रिक्वायरमेंट पूरी की हायर एजुकेशन कमीशन से, और फिर जो है उस प्रोग्राम को शुरू किया गया। फिर हमारी रिफा के प्लेटफॉर्म से
ही जब हमने शुरू किया 2007 में, तो 2008 में हमारी जो पहली क्लास थी जो पोस्ट प्रोफेशन डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी प्रोग्राम की, तो उसमें जो स्टूडेंट्स थे और प्लस हम जो फैकल्टी मेंबर थे दो, मैं और डॉक्टर असगर साहब, तो वो 16 या 17 लोग एक क्लासरूम में उन्होंने बैठ के पाकिस्तान फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन की बुनियाद डाली और डॉक्टर असगर साहब उसके फाउंडिंग जो है वो प्रेसिडेंट मुंतखब हुए और मैं उसका फाउंडिंग जो है वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ। और उसमें हमारे पास कई लोग जो इस वक्त मुल्क में अहम अहदों पे हैं और बड़े बड़े इदारों में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, वो उसका हिस्सा थे। फिर हमने जब DPT शुरू किया रिफा के प्लेटफॉर्म से, तो हमने AGC से रुजू किया और उनको ये इस बात पे जो है कन्विंस किया कि उन्होंने नेशनल करिकुलम रिवीजन कमेटी बनाई, जिसमें हमारे डीन साहब डॉक्टर असगर साहब जो पहली कमेटी थी उसमें थे, दूसरी कमेटी में मैं भी था, फिर असगर साहब उसके कन्वीनियर थे, अब जो कमेटी है उसमें भी डॉक्टर असगर साहब जो है उसके वो मेंबर है। तो फिर पूरे मुल्क के लिए एक यूनिफॉर्म करिकुलम का जो है वो आगाज़ हुआ। इसके अलावा काउंसिल के लिए भी जितनी भी स्ट्रगल हुई है वो सारी जो है उसमें रिफा पेश था। और अभी भी मुल्क में इन डिसिप्लिन को हम ये समझते हैं कि ये इस मुल्क में रिफा यूनिवर्सिटी जो है वो जगह है कि जहाँ ना सिर्फ इन एजुकेशनल प्रोग्राम को डेवलप किया गया बल्कि इस प्रोफेशन को भी डेवलप किया गया। इस दौरान मैं दो रिसर्च जर्नल डेवलप किए, एक हमारा जो जर्नल कॉलेज ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंसेज है और JRCRS विच इज़ रिकग्नाइज्ड है और वो चल रहा है पिछले जो है कोई जो है 12-13 साल से। और अभी 2 साल पहले हमने लाहौर से जो है ये जो है रिफा जर्नल ऑफ लाइड साइंस शुरू किया है। अब वो इसी में एक्रेडिटेशन के लिए हमने अप्लाई किया और इंशाल्लाह उसका रिजल्ट आने वाला है, वो भी एक्रेडिट हो जाएगा। इसके अलावा हम 2014 से एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करते हैं जो हमने 2014 में किया लाहौर में, फिर 2017 में किया इस्लामाबाद में, फिर 2020 में लाहौर में किया और फिर 2023 अक्टूबर में भी लाहौर में किया। और वो एक ह्यूज कॉन्फ्रेंस होती है और जिसमें जो है पूरी दुनिया से लोग आते हैं, मुख्तलिफ जो रिहैबिलिटेशन साइंसेज है, जो अलाइड हेल्थ साइंसेज है, जो फिज़िकल थेरेपी का डिसिप्लिन है, और उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और हम रेगुलरली करते हैं। पहले हम 3 साल बाद करते थे, इस बार हमारे वाइस चांसलर साहब ने ये हमें डायरेक्टिव्स हैं कि अब 2 साल बाद किया करें। तो अब नेक्स्ट जो कॉन्फ्रेंस है वो हम 2025 में इंशाल्लाह नवंबर के फर्स्ट वीक में स्केजुअल है वो करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिफा यूनिवर्सिटी में मुझे कोई 16.5 साल हो गए हैं और इस दौरान हमने बड़ा कंट्रीब्यूट किया अल्हम्दुलिल्लाह। हमने इस्लामाबाद में अपना कैंपस डेवलप किया, हमने लाहौर में अपना कैंपस डेवलप किया और हमने जो इस टाइम मुल्क में रिफा, अगर किसी ने मास्टर प्रोग्राम करना है, मास्टर प्रोग्राम में जो एडमिशन लेना है, तो उसकी फ़र्स्ट चॉइस रिफा होती है, क्योंकि रिफा में हमारे पास स्पेशलाइज्ड फैकल्टी है, रिफा में हमारे पास जो है एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम होता है, 2 साल में बच्चा जो है वो पास आउट हो जाता है, हमारे पास जो है इन प्रोग्राम्स की सारी रिक्वायरमेंट पूरी है। तो इस टाइम मुल्क में रिफा एक रिहेब एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज में एक बड़े इदारे की हैसियत से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये रोल और मज़बूत होगा और एक्सपेंड होगा और ये नेशनल कॉज है जिसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। हमारे प्रोफेशनल्स मुल्क में भी एक लीडरशिप रोल में हैं, जितने भी इदारे हैं इस टाइम ये जो रिहेब एंड अलाइड साइंस के प्रोग्राम्स हैं ये कम ओ बेश 200 इंस्टीट्यूशन में ऑफ़र होते हैं और इसमें जो है जो मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशन में फैकल्टी है वो रिफा की ही एलुमनाई है और या मेजॉरिटी इदारों में जो लोग हैं इस टाइम 5 लोग तो ऐसे हैं जो डीन्स की पोजीशन पे है, बाकी बहुत सारे लोग डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल की पोजीशन पे है, बहुत सारे लोग HODs की पोजीशन पे है। और न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि मुल्क के बाहर भी हमारे बच्चे अमेरिका गए, हमारे बच्चे कनाडा गए, हमारे जो है एलुमनाई इंग्लैंड गए, हमारे एलुमनाई ऑस्ट्रेलिया गए, हमारे एलुमनाई जो है वो आयरलैंड गए, सऊदी अरेबिया में हमारे बहुत सारे एलुमनाई हैं, इस तरह GCC कंट्रीज़ जो UAE है, कतर है, हमारे बहुत सारे ग्रेजुएट्स वहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं।